हमने पहली बार रोबोटिक्स आर्म पेंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया इंजीनियरिंग में। कितना सफल साबित होगा ये? सर अभी तो यूज करने के ऊपर है, बाकी हमारा जो हमने लगाया वो बहुत हद तक अच्छा साबित। 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी आकर 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल कोच नवीनीकरण कारखाना का शिलान्यास किया था, जो कि अब तकरीबन बनकर पूरी तरह से तैयार है। झांसी के लिए रेल कोच नवीनीकरण कारखाना एक बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रही है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का निर्माण नवम्बर 20 से शुरू हुआ है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना 74 एकड़ में फैला है, जिसमें प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग शेड 65,000 वर्ग मीटर का होगा। इसमें अपशिष्ट जल रिसाइक्लिंग प्लांट रोड शेड की छत पर 700 kWp का सोलर प्लांट लगाया गया है, जो पूरी परियोजना को ग्रीन परिवेश के साथ पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। बताते चले कि इस हाईटेक रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में अत्याधुनिक मशीनरी और प्लांट लगाए गए हैं। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना लगभग बनके तैयार है, वहाँ पर मशीनों का इंस्टॉलेशन हो रहा है और ये जो मशीनें रोबोटिक मशीनें भी वहाँ पर लगाई गई हैं, जिनसे रेलवे में संभवतः पहली बार हैं जो जहाँ पर हमारी जो पेंट शॉप होगी वो रोबोटिक मशीन्स काम करेंगी और ऑटोमेटिक उसको कोच को पेंट करेंगी। बेसिकली क्या है कि ये कोच नवीनीकरण कारखाना है, तो यहाँ पर पुराने कोचों का नवीनीकरण होगा। तो अभी हम इसमें और भी वृद्धि कर रहे हैं इसकी सुविधाओं में, और मार्च तक इसमें जो वंदे भारत के कोच हैं उनको भी नवीनीकरण का हो सकेगा। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बनने की वजह से झांसी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बृहद परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर धीरज मिश्रा का कहना है कि रेल कोच नवीनीकरण कारखाना साल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। ट्रेनों के कोचों की पेंटिंग का काम रोबोटिक आर्म मशीन के जरिए किया जाएगा, जो अपने आप में सबसे अनूठा प्रयोग होगा। ये हम जिस वर्कशॉप में खड़े हैं, ये जो शॉप में है पेंट बूथ शॉप है, यहाँ पे बेसिकली हम कोच की पेंटिंग बूथ लगा रखे हैं। इसमें जो पेंट होगी वो रोबोटिक्स आर्म के थ्रू पेंटिंग होगी। अच्छा, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? आपका बोगी आएगा गंदा, तो कहाँ तक कैसे आएगा बोगी? सर बेसिकली ये कोचेस के लिए है, कोच यहाँ पे आएंगी, कोच यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी बूथ के अंदर, देन वहाँ से ऊपर से फ्रेश एयर सप्लाई आएगी, और इसके एक पेंटिंग करने के लिए एक आइडिया कंडीशन बनानी पड़ती है, वो कंडीशन हम इसके अंदर जनरेट करेंगे, उसके बाद इसमें पेंटिंग होगी। उसके बाद सामने हमारा ओवन लगा हुआ है, उसके अंदर इसको सुखाया जाएगा। तकरीबन 1 घंटे में एक कोच पेंटिंग होगी और 1 घंटे में सूखेगा। अच्छा, लगिए लगभग आपका कितना टारगेट रहेगा साल भर में? सर यहाँ पर अभी अनुमानित है 1 दिन में 1 कोच यूज़ करने का। अप्रॉक्स 250-300 पार करेंगे साल भर में आप? क्या वंदे भारत के लिए भी कुछ होने वाला है? सर वंदे भारत कोच भी इसी वर्कशॉप। 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का झांसी में शिलान्यास किया था, जो कि अब लगभग पूर्ण होने जा रही है। इस फैक्ट्री में एक ऐसा रोबोट मशीन के द्वारा कार्य किया जाएगा जो कि कोचों में रंग पुताई करेगी। इस फैक्ट्री को लगभग 75 एकड़ में बनाया गया है और ये फैक्ट्री लगभग 450 करोड़ रुपए की फंडिंग से बनाई गई। इस फैक्ट्री को जापान की एक कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। अब लगभग फरवरी तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा और ये संभावित माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।